One of the most prominent questions proves that the opposite side of a quadrilateral circumscribing a circle, right, subtends supplementary angle at the center of the circle. This is an extremely important question. Just a minute. आप सभी के पास डीबीपी है? सो जस्ट ट्राई टू गिव मी द फिगर ऑफ द सेम क्वेश्चन. फिगर क्रिएट करना. क्वेश्चन नंबर 19. सो डू यू नो द आंसर हाउ टू गेट दैट? आपके पास नहीं है? आप सब आपको मिला नहीं बेटा? अब मोबाइल है आपके पास इस समय? कल टेस्ट था बेटा, कल. अरे आप आए क्यों नहीं? सभी के पास है? कौन है? एक तो नहीं, राइट. अब वीडियो शेयर कर लो. एनसीईआरटी कौन कौन लाया है? हाँ, डू यू नो द आंसर? कैसे करना है इसे? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ उसमें प्रूफ क्या करना है. फॉरगेट अबाउट दिस, दिस इज नॉट अवेलेबल. हाँ चलो ठीक है, मैं अब यहां एक फिगर बना रहा हूं. Prove that opposite side of a quadrilateral. ये quadrilateral की opposite side कौन सी है? DCNAB. Circumscribing a circle जिसके अंदर circle है, subtend supplementary angle at the center. That means this angle angle AOB plus angle COD, right, happens to be 180 degree, right बेटा जी? और this angle plus this angle, right? This is also equal to 180 degree. अभिनंदन आया हुआ ना? हाँ, good, ठीक. So, given आप खुद लिखेंगे. To prove, given जरूर लिखना है. देखो, अभी टेस्ट में मैंने देखा कई और मैंने मार्क्स दे दिए, लेकिन आगे से ध्यान रखना, given भी लिखना है. Right? Figure, given, जो भी proving के questions है ना, you are supposed to write the given as well. और एक दो स्टूडेंट्स ने फिगर के साथ आंसर नहीं दिया, बिना फिगर के आंसर दे दिया. मैं डिस्कस करूंगा किसने क्या क्या गड़बड़ की है. आंसर शीट सबको मिल चुकी है? हाँ, अभी टेस्ट के बाद मैं देता हूँ. सुबह ही हो गई थी, क्लास के बाद, सॉरी. सो जस्ट एओबी, अगर मैं इसको ओ ले लूं, प्लस सीओडी हैपेंस टू बी 180 डिग्री, राइट? एंड एओडी plus BOC is equal to 180 degree. Any idea? Anyone can execute the answer in this question? मैं एक हिंट देता हूं, आप एक काम करें, आप यहां एक परपेंडिकुलर क्रिएट करेंगे, इनफैक्ट ज्वाइन कर देंगे सिंपली इसे. मेरा कहने का मतलब ये है, यहां इसे और यहां इसे, और डॉटेड में होना चाहिए, राइट? एंड लेट इट, आई गिव इट द नेम एस पी क्यू आर एस. ये भी मैंने कर दिया, राइट? एंड नाउ इट्स अप टू यू. जस्ट थिंक फॉर ए मिनट, व्हाट शुड बी द वेरी फर्स्ट स्टेप टू गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन.
दिस इज 99% श्योर, आप इसको स्टार लगा देना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नहीं स्क्वायर नहीं ले सकते क्योंकि स्क्वायर तो है ही नहीं, क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है ना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम लगेगी इसके अंदर, ये सोचो। देखिए इस सब का फोकस यहां होना चाहिए, हमने जब इस चैप्टर की शुरुआत की थी, थ्योरम किया था हमने, दैट द टेंजेंट्स व्हिच आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर एंड दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट, दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर, ये है ना, दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर and at the same time they are equally inclined to the line segment joining the center to that point. तो आप ये देखो, ये आप बड़ा ध्यान से देखिएगा, AS और AP क्या ये दो tangents हैं? Obviously इनकी length equal है. And with the help of AO, AS इस center के ऊपर एक angle create करता है one, और AP with OP के सहारे एक angle create करता है angle two. And isn't it angle one equal to angle two? Why are they so? Because आपको यहाँ लिखना है, इसका रीजन लिखना है, what's the tangents which are drawn from an external point is subtended equal angle at the center, right? Obviously it's not possible with this also, ये यहाँ भी possible है, angle 3 equal to angle 4, ये और ये भी तो equal है, तुम्हें की समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? Great, तो 3 equal to angle 4, this is also true, then this is 5, this is 6, the same reason as these two are tangents, clear hai? Agar aapko pichli class clear hai to, this side is equal to this side being tangents and 7 is equal to angle 8, right? Then see, if I add all these angles, agar main sabhi angles ko add karu, ye sabhi angles ko, to what should be the sum? It happens to be 360 degree, isn't it? Why not do one thing? Make a family of 2 plus 3. अब आप ध्यान से देखिएगा यहां पर 2 plus 3 creates what angle? Angle A होगी, right? And 7 plus 6 can I write twice of this plus this, लिख सकता हूं ना? कैसे? अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर आपको समझ आ गया दैट समथिंग नाइस, जस्ट सी हियर, 1 and 2 are equal, कांट आई राइट ट्वाइस ऑफ एंगल 2 देन, 2 प्लस 2 देख सकते हो, अरे 1 और 2 दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो 1 की जगह मैंने 2 लिखा, 2 प्लस 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 2, इसके बाद 3 एंड 4 आर इक्वल, राइट? तो आई कैन राइट ट्वाइस ऑफ, 4 की जगह मैं 3 लिख सकता हूँ ना, ट्वाइस ऑफ एंगल 3। अब बात ये उठती है कि मैंने ट्वाइस ऑफ एंगल 1 नहीं लिखा, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 लिखा है, नहीं, मैं यूं भी तो कह सकता था 1 प्लस 1, डेफिनेटली वो भी हम करेंगे, लेकिन मैंने यहां पर 2 प्लस 2 को क्यों किया है? बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड फॉर दिस एंगल एंड फॉलोड बाय दिस एंगल, मुझे ये एंगल में इंटरेस्ट है इस समय और इस एंगल में इंटरेस्ट है, तो प्लस, आई होप यहां तक क्लियर हो गया। इसी तरीके से आप ये देखिए, 6 and 7 आर इक्वल, राइट? 6 and 5 आर इक्वल, सॉरी, तो 6 and 5 आर इक्वल, तो व्हाट आई कैन राइट ट्वाइस ऑफ एंगल 6,
सकता हूं ना इसी तरीके से, 7 एंड 8 आर इक्वल, तो आई कह रहा है ट्वाइस ऑफ एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री। इस स्टेप में कोई डाउट, एनी डाउट टू इट? तो इंप्लाइज 2 कॉमन आ गया और यहां 2 कॉमन आ गया। ऑब्वियसली 2 प्लस 3 हैपन्स टू बी व्हाट, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू व्हाट, एंगल AOB, दिस इज एंगल AOB, ट्वाइस ऑफ दिस, एंड 6 प्लस 7 इज COD, 6 प्लस 7 COD, तो 2 फिर कॉमन आ गया, तो दैट मेक्स एंगल AOB प्लस एंगल COD is equal to 360 by 2 and hence 180 degree. Clear हुआ? अच्छा, इसी तरीके से अब हमें ये भी तो प्रूव करना है, AOD and BOC, AOD और BOC के लिए मुझे क्या करना चाहिए, what I should do now? Yes, क्या करें हम? अब हमें ये एंगल चाहिए था और ये एंगल चाहिए था, दूसरे तो प्रूव हो गया। नाउ आवर नेक्स्ट इंटरेस्ट इज टू हैव दिस एंगल, ये एंगल चाहिए हमको और ये एंगल चाहिए, नहीं? तो अगर आप ध्यान से देखें, एंगल AOD, एंगल AOD 1+8 है, नहीं? तो 1+2, इसी से अब क्या करेंगे, क्योंकि मुझे AOD चाहिए, तो मैं यहाँ 2 की जगह 1 कह सकता हूँ ना, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1, राइट? और इसके साथ साथ 8, 8 मुझे चाहिए, 7 एंड 8 आर इक्वल, 7 एंड 8 आर इक्वल, तो आई कैन रिप्लेस 7 विद 8, 8 प्लस 8, तो ट्वाइस ऑफ 8, राइट? तो इस तरीके से मेरे पास AOD आ गया। क्लियर हो गया बेटा? फिर इसी तरीके से ट्वाइस ऑफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 आल्सो हैपेंस टू बी 360 डिग्री। एनी डाउट? सो दिस मेक्स ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 360 डिग्री। 1+8 is what? AOD. Twice of AOD. And twice of 4+5 is equal to BOC. And thereby I can say that AOD plus angle BOC is equal to 180 degree. I hope this is clear to you. मैं अपने टेस्ट में दूंगा इस क्वेश्चन को, मैं पहले ही बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 20th आपका होमवर्क है, आप खुद करेंगे। जो आपके पास MIQ है, 20th क्वेश्चन आप खुद करेंगे, 21st क्वेश्चन का आंसर मुझे निकाल के दो। PA is a tangent if POB is 115, what is APO? degree, very good. Question number 21st.
दिया मैंने, ठीक कर दिया ये तो यार, प्रॉब्लम कर रहा है फैन तो। मैं कहा था आप लोगों से पहली बार कि मैं क्लास नहीं हुआ, मेरे फैन को ठीक होना चाहिए, लेकिन अपडेट कर दिया सर। नहीं मैं ऊपर की बात कर रहा हूँ, डिलेड है स्क्रैटिंग, क्या करना चाहिए फिर? तो रहा है वो मजबूरी में कर रहा है, जैसे मैं दिख रहा हूँ नहीं हो पा रही उसको। क्या आंसर आया? 25 आया नहीं है? अभी खड़ा रह, देख मैं बताता हूँ, ये 65, ये 90, तो विद सम एंगल प्रॉपर्टी सी कितना आ गया? राइट, ये 90 है, क्यों है? क्लियर है ना बेटा जी? ये तो हमारी थ्योरम ही है, ये लीनियर पेयर से आ गया, ये 115 है 65, तो गुड आंसर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। तो नहीं खराब हो गई क्या? दिक्कत हो रही है यार, क्लास में प्रॉब्लम कर रहे हैं। कहा था इसको यार तुम अच्छे तरीके से देख लेना पहले। 32nd एक फेवरेट क्वेश्चन है प्री बोर्ड एग्जाम में, कैसे मुझे एक्सप्लेन करो? अगर ऐसे बंद करके दोबारा करा दें वो आप सिर्फ इस पे बिल्कुल नहीं आने वाले हैं। चलो ठीक है, और क्या प्रॉब्लम है? हाँ हाँ कैसे बताओ? हाँ सर, फिर हाँ उसके बाद सर हमें ट्रायंगल पी इंटरसेक्ट हो रहा है वहां पे, हमें सिमिलैरिटी से जो साइन है सिमिलैरिटी यूज नहीं होंगे इसके अंदर, इसके अंदर है ना क्वेश्चन नंबर 20, व्हाई आई एम सजेस्टिंग यू इनफैक्ट। हाँ ठीक है बेटा।